हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। कैसे हैं सब बच्चे? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज सुबह सुबह हम मिले हैं टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक में आप पढ़ते हैं कि द इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर डूइंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टूल क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए, है ना। उसी क्लोनिंग वेक्टर के पास बहुत प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो आज हम एक क्लोनिंग वेक्टर की बात करेंगे एंड उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे एक सिलेक्शन के लिए हेल्प करता है, कैसे एक मार्कर के लिए हेल्प करता है, वो डिस्कस करेंगे। सो जो बच्चे मैम को नहीं जानते हैं, माई नेम इज़ बेटा सी पाहुजा एंड यू आर सीइंग मी हेयर इन दिस सुपर 10 सीरीज, जिसमें हम हर टॉपिक खत्म करने की कोशिश करते हैं इन डिटेल बट इन 10 टू 15 मिनट्स, ठीक है। तो आज बेटा हम बात करेंगे कौन से वेक्टर की। दिस इज, आप पहचानते होंगे ये वेक्टर कौन है, दिस इज बेटा प्लाज्मिड BR322। एक क्लोनिंग वेक्टर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बिल्कुल है, तभी यहाँ से हमारा जो फॉरेन इंसर्ट है वो भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा विद द प्लाज्मिड। देन एक क्लोनिंग वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, एंड दो सिलेक्टेबल मार्कर इन दिस केस दीज आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या है यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर? दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, ठीक है। और ये सिलेक्टेबल मार्कर कौन कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले हैं? वन इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ये जो आर लिखा ऊपर दिस इज फॉर रेजिस्टेंट, एंड वन इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, TET इज फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड दिस आर इज फॉर रेजिस्टेंट। तो दो तरीके के यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। क्या मतलब है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होने का? If the vector is ampicillin resistant, that means ये ampicillin medium में grow कर जाएगा। Resistance का मतलब यही होता है कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या है, ये अपना ampicillin medium में grow कर जाएंगे। अगर ये vector बेटा tetracyclin resistance भी है, मतलब आप इसको tetracyclin में डालो, इस antibiotic में डालो, तब भी ये grow कर जाएगा, ठीक है। Resistant का मतलब है फर्क ना पड़ना। अगर बेटा किसी तरीके से ये जीन खराब हो गए, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट खराब हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? एम्पिसिलिन सेंसिटिव बन जाएगा। दिस एस इज फॉर सेंसिटिव। और अगर ये सेंसिटिव बना, दैट मींस अब ये एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे। बात समझ आई? अगर आपने इसमें गड़बड़ी कर दी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में खराब कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? अगेन, इट विल नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। ये बात समझो, अगर रेजिस्टेंट है तो ग्रो कर जाएंगे, सेंसिटिव है तो बेटा ग्रो नहीं कर पाएंगे। नाउ यू आर सीइंग दैट ऑन दीज टू साइड्स, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की साइट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की साइट है, देयर आर क्लोनिंग साइट्स, है ना। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लोनिंग साइट्स हैं, यहाँ पे जैसे BAM-H1 है, SOL1 है, PVU1 है, PST1 है। आप अपना फॉरेन जीन इंसर्ट जब करते हो ना, तो आप जान के पूरे वेक्टर में किसी ना किसी मार्कर के ऊपर करोगे। मतलब आप अपना फॉरेन जीन यहाँ इंसर्ट नहीं करोगे, इन साइट्स पे नहीं करोगे, क्योंकि इस जगह पे कोई मार्कर नहीं है। आप अपना फॉरेन जीन इंसर्ट करोगे या तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली साइट पे इन दोनों को यूज करते हुए, या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली साइट पे इन दोनों एंजाइम्स को यूज करते हुए। तो इस जगह पर हम केस ले लेते हैं कि मैंने अपना फॉरेन जीन, यस गाइस, मैंने अपना फॉरेन जीन इंसर्ट किया है BAM-H1 वाली जगह पे, तो मैंने फॉरेन जीन को भी BAM-H1 से काटा और PBR322 को भी BAM-H1 से काट दिया, और ये हमारा फॉरेन जीन, फॉरेन पीस ऑफ DNA हमने इस जगह पर इंसर्ट कर दिया। अब बेटा अगर मैंने इस जगह पर फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया, तो पीछे वाली जीन की जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था, वो तो खराब हो गया। हमारे फॉरेन जीन इंसर्ट होने की वजह से ओरिजिनल जीन इज इनएक्टिवेटेड। दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलोगे इस चीज को बेटा? क्या बोलोगे? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्योंकि आपके फॉरेन जीन घुसाने की वजह से बेटा इसकी जो रेजिस्टेंस वाली पावर थी ना, है ना, जो इसकी रेजिस्टेंस वाली पावर थी वो क्या हो गई?
इनएक्टिव होगी एंड दिस इज कॉल्ड एज इंसर्ट करने की वजह से जो इनएक्टिवेशन हुई. अब मुझे खुद से सोच के बता दो, तुम खुद से सोच के बता दो, क्या ये अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रह पाएगा? जब आपने इसमें फॉरेन जीन डाल दिया तब क्या ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रह पाएगा? ना. आपने इसको क्या कर दिया, इंसर्ट करने की वजह से इनएक्टिव. अब ये क्या बन जाएगा, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव. ठीक है, मतलब आपने अगर इसको एम्पिसिलिन मीडियम में भी डाला तो यार ये ग्रो कर जाएगा क्योंकि इसको इनएक्टिवेट नहीं किया आपने. लेकिन अगर आपने इस प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाला तो ये क्या कर जाएगा, ये ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि अब ये क्या हो चुका है, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो चुका है. यस, हाँ जी. एक मिनट यार, बड़े ब्लॉकर्स भी आते हैं, हमें इतने लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है ना. चलिए, ब्लॉक हो जाते हैं जो ऐसे फालतू बच्चे बातें बातें करते हैं. एनीवे, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में सिलेक्शन कैसे की जाती है. इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो आपने होस्ट कौन सा लिया, यू हैव चोजन द होस्ट एज इकोलाई. तो मैं यहाँ पर इकोलाई ले रही हूँ. इकोलाई के पास अपना न्यूक्लियोइड भी होगा. ये रहा, एक टाइम पे बहुत सारे होस्ट लेते हो, एक नहीं लेते हो. ठीक, आप ऊपर अपना वेक्टर बनाकर बैठे हो. रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है आपके पास, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, यही पीबीआर 322 बनाया है. और इसमें क्या डाल दिया मैंने, फॉरेन जीन डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन वाली साइड पे डाला. और राइट साइड ही क्या है अपना, टेट्रासाइक्लिन. देख रहे हो ना, उसी शेप में बनाया मैंने. इधर भी राइट साइड पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, आपने फॉरेन जीन इसमें डाला हुआ है. तो बिल्कुल मैंने वैसा ही क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना दिया है. ठीक है, अब जब आप बनाते हो ना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, तो इतने सारे ग्रुप को इकट्ठा बनाते हो, सारे नहीं बन जाते हैं, कुछ ऐसे भी रह जाते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुई नहीं, ये बैठा बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट, कुछ ऐसे भी रह जाते हैं, है ना. ये आप मान के चलो कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, तो 100% कन्वर्जन नहीं होती है. कुछ में हो जाएगा, मोस्ट ऑफ देम में, कुछ में नहीं भी होगा. ठीक, हाँ जी. चलिए, अब ये आपके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ये नॉर्मल प्लाज्मिड है, एक साथ प्रेजेंट है. आपने बेटा इनको क्या करने की कोशिश की, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की होस्ट के अंदर. होस्ट हमारा क्या है, इकोलाई है. होस्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो. उसको थोड़ा नीचे बना दूं क्या, ऊपर वाला कट गया, रुक जाओ, दोबारा बना देते हो. ये है आपके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई, ये है बेटा आपके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. अब समझ आ रहा है, अब दिख रहा होगा. यस, तो आप इस होस्ट में बेटा क्या करोगे, रिकॉम्बिनेशन करोगे. तीन चीजें हो सकती हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं. तीन चीजें पॉसिबल है. पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसके अंदर बेटा कुछ भी ना जाए. आपने कोशिश की इसको घुसाने की, इस वाले को घुसाने की इसके अंदर, बट हो सकता है इसके अंदर कुछ भी ना जाए. मतलब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुई, है ना. हो सकता है इसके अंदर कुछ भी ना जाए. ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, है ना. इसके अंदर कोई भी अंदर नहीं गया, दिस इज कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, अंदर ही नहीं गया. चलिए, अगली पॉसिबिलिटी क्या होती है बी वाले में, कि हो सकता है कि इसके अंदर ये वाला चला जाए, एक्चुअल वाला ना जाए, नॉर्मल वाला प्लाज्मिड चला जाए. तो मतलब ये वाला ट्रांसफॉर्म तो हो गया, लेकिन इसके अंदर बेटा कौन सा वाला चला गया, जो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, एज इट इज चला गया, जिसमें इंसर्शन हुई नहीं है वो चला गया गलती से प्लाज्मिड. ये क्या कहलाएगा, ये बच्चों क्या कहलाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट बट ट्रांसफॉर्मेंट. ट्रांसफॉर्मेंट तो है, कुछ तो अंदर गया ही है ना. ट्रांसफॉर्मेशन उसको ही बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेंट, कि कुछ अंदर लेके जाना है. तो यहां पर अंदर तो गया है, लेकिन कौन चला गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला चला गया. इतनी बात समझ आई? यस गाइस, इतनी बात यहां पर समझ आई कि यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, लेकिन किसकी हुई है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले की. सी वाला केस अपना एक्चुअल केस है, जो हम चाहते थे कि ऐसा हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन किसकी हो, रिकॉम्बिनेंट वाले की. ये रहा बेटा आपका रिकॉम्बिनेंट. तो आपके पास बेटा इस तरीके से तीन केसेस हो जाएंगे. कुछ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं, वो क्या कहलाएंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट. कुछ में गलती से ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हो गई, नॉन रिकॉम, वो क्या कहलाएंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. कुछ में गलती से बेटा
ऐसे प्लाज्मिड की ट्रांसफॉर्मेशन हुई जिसमें इंसर्ट ही नहीं किया हुआ था, तो वो है बेटा ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। कुछ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई लेकिन रियल वालों की हो गई जो हम चाहते थे, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। अब आप इन तीनों को बेटा दो मीडियम्स पे रखोगे, कौन से? एम्पिसिलिन मीडियम और टेट्रासाइक्लिन मीडियम। तो दो केसेस लेके चलेंगे, वन इज कॉल्ड एज एम्पिसिलिन मीडियम। हाँ जी, पहला आपने मीडियम कौन सा सिलेक्ट किया? दैट इज गोइंग टू बी एम्पिसिलिन मीडियम। दूसरा आप मीडियम क्या सिलेक्ट कर रहे हो? टेट्रासाइक्लिन मीडियम। हाँ जी, अब है आपके पास ए बी और सी। सबसे पहले जब आपने ए को एम्पिसिलिन मीडियम में रखा, क्या ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? खुद सोचो ए के अंदर क्या चीजें हैं, क्या ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा एम्पिसिलिन मीडियम में। देखो बेटा ए तो क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं गया, कोई भी वेक्टर नहीं गया। कोई वेक्टर नहीं गया तो ना इसके पास बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाली साइट गई, ना ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली साइट गई, है ना? इसके अंदर तो कुछ भी नहीं गया, तो क्या ए ग्रो कर सकता है इन एम्पिसिलिन मीडियम? नहीं बेटा, इसके पास रेजिस्टेंट जीन ही नहीं है, तो ए कहां से ग्रो करेगा? दिस विल नॉट ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। क्या बी ग्रो कर सकता है एम्पिसिलिन मीडियम में? ये बी के अंदर नॉर्मल प्लाज्मिड जा चुके हैं, ये नॉर्मल प्लाज्मिड है आपका, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है। दैट मींस बेटा ये बी इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन मीडियम ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसके पास बेटा इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है और उसमें कोई इंसर्शन नहीं हुई, कोई इनएक्टिवेशन नहीं हुई। अगर बात करें सी की, क्या सी ग्रो कर सकता है एम्पिसिलिन मीडियम पे? देखो भाई, एम्पिसिलिन जो रेजिस्टेंट जीन था ना, वो लेफ्ट साइड था, आपने उसको तो छेड़ा नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, दैट मींस वो इसको अलाउ करेगा ग्रो करने के लिए, तो एम्पिसिलिन मीडियम में आपका सी भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को आपने कोई तकलीफ नहीं दी है, कोई इनएक्टिवेशन नहीं किया है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, अब मीडियम चेंज कर देते हैं, अब हम नई प्लेट लेके आते हैं, मीडियम चेंज कर दिया, अब किस में डालेंगे बेटा? टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालेंगे। पहले तो ए को देख लो यार, ए के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं ग्रो करेगा है ना, ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है ना टेट्रासाइक्लिन है, तो इसको किसी में भी डाल लो ग्रो नहीं करेगा। अब आ जाइए बेटा बी पे, क्या बी टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करेगा? बी का प्लाज्मिड बिल्कुल नॉर्मल है, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, मतलब इसका प्लाज्मिड बिल्कुल इस तरीके से है। अगर मैंने इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाला जिसमें कोई इंसर्शन नहीं हुई, तो यार इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो बिल्कुल ओके है, कुछ इंसर्शन करके इनएक्टिवेशन नहीं की है, तो ये बेटा टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर जाएगा, है ना, क्योंकि इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बिल्कुल ओके है। अगर बात करें सी की, यहां पर अगर आप देखोगे राइट साइड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को इनएक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि इसमें फॉरेन जीन डाल दिया गया है, तो बेटा ये अब बन चुका है टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। क्या बन चुका है? टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। तो मैं ए बी और सी के लिए तीनों चीजें लिखने वाली हूं, यहां ध्यान दीजिए, ए क्या कहलाएगा? एम्पिसिलिन सेंसिटिव है प्लस टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है, बताना समझ आया कि नहीं आया? दोनों के लिए सेंसिटिव है, क्योंकि ग्रो ही नहीं कर पा रहा ना एम्पिसिलिन मीडियम में ना टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। बी के बारे में अगर मैं बात करूं, ये बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी है, दोनों में क्योंकि ग्रो कर गया है ना, इसके पास दोनों जीन्स इंटैक्ट है। सी के बारे में अगर बात करें बेटा, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो है लेकिन टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है ना, लेकिन बेटा टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है, एम्पिसिलिन में ग्रो कर जा रहा है, टेट्रासाइक्लिन में नहीं ग्रो कर पा रहा, राइट? सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म सिलेक्शन। तो आपने इस एम्पिसिलिन की हेल्प से, ध्यान देना एवरीवन पे अटेंशन, एम्पिसिलिन की हेल्प से आपने डिस्टिंग्विश कर लिया कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है। एम्पिसिलिन ने पहले ही आपको बता दिया कि मैं क्या हूं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हूं, और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। फिर टेट्रासाइक्लिन की हेल्प से आपने ये डिस्टिंग्विश किया कि ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है ना।
बिल्कुल इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करना जरूरी है, नहीं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या करी आपने? अगर आपने अपना फॉरेन जीन इंसर्ट ही नहीं किया तो क्या किया? जीन क्लोनिंग किसकी करोगे? किस जीन को क्लोन करोगे? क्लोन करने के लिए कुछ तो डालोगे बीच में, जो डाल रहे हो वही तो इंसर्ट कर रहे हो, है ना बेटा? तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमने इसीलिए चूज किए क्योंकि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट टू नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, किसने बता दिया? एम्पिसिलिन ने, क्योंकि यहाँ क्रॉस आ रहा है, यहाँ पर टिक आ रहा है. एंड जब इन दोनों को देखा तो इसमें बेटा टेट्रासाइक्लिन बताएगा कि कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है. तो मैं एक एनसीईआरटी की एक लाइन लिखूंगी, दैट वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विल डिस्टिंग्विश हाँ जी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डिस्टिंग्विश करेगा फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट टू नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. ये बताएगा कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. देन सेकेंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, सेकेंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दूसरा क्या बताएगा? विल टेल अबाउट रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, कि जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसमें भी किसके पास रिकॉम्बिनेंट आया और किसके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट आया. तो बेसिकली अगर आप इस मेथड के थ्रू, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के थ्रू आप करना चाहते हो सिलेक्शन, तो आपको दो बारी प्लेटिंग करनी पड़ेगी, मतलब दो मीडियम बनाने पड़ेंगे. पहले आप मीडियम बनाओगे एम्पिसिलिन का, जैसे हमने यहाँ पर बनाया, फिर बेटा आप मीडियम क्या बनाओगे? टेट्रासाइक्लिन का. इज दिस थिंग क्लियर? क्या ये बात बेटा सबको समझ आई? हाँ, चैप्टर का नाम क्या है यार? चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो इस तरीके से बेटा आप सिलेक्ट करते हो. अब सिंस ये प्रोसेस ना बड़ा कंबरसम सा है, इसमें दिक्कत है. दिक्कत क्या है कि मेहनत लगती है, मेहनत सबको डिफिकल्ट लगती है. मेहनत लगती है कि यार पहले तुम एक टाइप का मीडियम बनाओगे एम्पिसिलिन मीडियम, तीनों को डालोगे देखोगे कौन ग्रो कर रहा है, फिर तुम दूसरे एंटीबायोटिक का मीडियम बनाओगे तीनों को डालोगे देखोगे क्या चीज़ हो रही है. तो ये जो मेहनत है, इस मेहनत को अवॉइड करने के लिए हम प्लाज्मिड ही चेंज कर देते हैं. कि हमने देखा कि प्लाज्मिड BR322 में बड़ी मेहनत लग रही है, दो दो बारी मीडियम बनाने पड़ रहे हैं सिलेक्शन करने के लिए, तो इस मेहनत को अवॉइड करने के लिए हमने प्लाज्मिड ही चेंज कर दिया. हम एक नया प्लाज्मिड ले आए हैं, दैट इज प्लाज्मिड UC8, जिसमें होता है LAC-Z जीन जो कि आपकी सिलेक्शन में हेल्प करता है. एंड दैट टाइप ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड एज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, जो हम करेंगे बेटा अपने अगले सेशन में. आई होप आपको प्लाज्मिड BR322 की सिलेक्शन के बारे में पता चला होगा. साथ ही में आपको जो नोट्स मिलेंगे बेटा, इसके कहाँ पर मिलेंगे? फॉर नोट्स यू कैन रेफर दिस लिंक ट्री, ठीक है. मैंने सारे नोट्स अपने सारे सेशंस के, चाहे मंथन हो चाहे संजीवनी हो, एवरी सेशन, चाहे 10 मिनट सीरीज हो, सेशन के लिंक इन ऑर्डर प्लस PDFs, सब कुछ बेटा आपको इसी साइट पे मिलती हैं. क्या करना है? बस ब्राउजर में जाना है, डालना है लिंक tr.ee linktree/seep.pauja. आपको इस तरीके से प्रोफाइल दिख जाएगी. प्रोफाइल में बेटा आपकी पूरी बायोलॉजी के सेशन लिंक्स है, PDF लिंक. जैसे अपनी 10 मिनट सीरीज का नाम मैंने 10 मिनट ही रखा है, यहाँ पे सेशन लिंक है और PDF लिंक. तो सारी PDF, सारे सेशन लिंक यू विल फाइंड ओवर हेयर. साथ ही में मैम का प्लस बैच भी चल रहा है 2022, 2023, 2020 सबके लिए, 2022 और 2023 के लिए. आप सब एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग कोड SEEPLIFE, याद रखना. एंड आज का सेशन बेटा अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ये छोटी सी जो सीरीज है 10 मिनट, मैंने स्पेसिफिकली आप सबके लिए लेके आई हूँ. जो भी डिफिकल्ट एरियाज थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम अगला सेशन आप इस पे लेके आओ. आई विल सी यू देन इन द इवनिंग एट 6 PM, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसिएशन एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन. तो आज सेकेंड लास्ट लेक्चर होने वाला है एवोल्यूशन का. तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय.